हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको ये जो स्टेपलर है इसका एक बिल्कुल अलग ही इस्तेमाल दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने सोफ़े में आप इस्तेमाल देखा होगा आपने इसका, ठीक है। तो नया इस्तेमाल मैं आपको आज इसका दिखाऊंगा। आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं जब प्लाई के पीस को जॉइंट करते हैं, जैसे कोई भी आपको प्लाई का पीस जॉइंट करना है 6 mm तक का, 12 mm या फिर 18 mm, या 18 mm के पीस आपको जॉइंट करके दिखाऊँगा इस तरीके से आमने सामने की टक्कर पर। अभी तक आप जॉइन करते समय क्या करते थे, इस तरह खांचे लगाते थे या फिर इधर से आधी कील ठोक कर 3-4 जगह और फिर फेविकॉल लाकर ऊपर से चोट मार के ठोकते थे, तो इससे ऊपर नीचे हो जाता था या फिर टेढ़ा मेढ़ा रहता था, सही नहीं बैठता था, ठीक है। तो इसमें एक नया तरीका ये है कि आपको फेविकॉल लगाना है, ठीक है, एक पीस पे इस तरीके से जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। आपको जगह खाली नहीं छोड़नी है, बिल्कुल बढ़िया करके फेविकॉल लगाना है। तो दोस्तों, ये जो तरीका है बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इसमें जॉइंट लगेगा आपका। तो दोनों पीस पर हमने फेविकॉल लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसको एक प्लेन नीचे प्लाई रख लेनी है जिससे आपकी ये जो जॉइंट है ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। देखिए, इस तरीके से मैंने पीछे नीचे एक और प्लाई का पीस रख लिया। मैं इस तरह से चिपका के बाद में ये वाला हिस्सा काट दूँगा तो मेरी बराबर प्लाई आ जाएगी, मुझे जितनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इस तरह रखना है, और आपका जो स्टेपलर है जिससे आप यूज़ करेंगे, सोफ़े में यूज़ करते हैं, इसके बीचों बीच आपको एक मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए, मैं निशान दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बीचों बीच मार्किंग कर दी। और इसके बाद ये वाली जो जॉइंट आ रहा है इस पे ऐसे मिला के आपने वो निशान और इसे लगा देना है, ठीक है। एक फिर आपने लास्ट में लगाना है, और फिर क्या करना है आपको, एक एक इंची की दूरी पे, आधा आधा इंची, जितना आपको ठीक लगे, जितनी ज़्यादा मजबूती चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको एक एक इंची की दूरी पे लगा दें। मैं वैसे एक एक इंची की दूरी पे लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने एक साइड से लगा दिया। आप भी देख रहे होंगे कि कितना फिनिशिंग से जॉइंट हुआ है। आप बड़ा पीस भी जॉइंट इसी तरह कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद आपको अपोजिट साइड भी सेम इसी तरीके से, एक नीचे और एक ऊपर, और इसके बाद बीच में एक एक इंची, आधा आधा इंची, जितना आप चाहें उतनी दूरी पे आप लगा दें। तो इसके बाद आपका जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, और जब फेविकॉल सूख जाएगा तो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप पिन निकाल भी देंगे तो भी आपका जॉइंट नहीं टूटेगा। अब देखो, पिन थोड़ी थोड़ी ऊपर रह जाती है, आपको क्या करना है, हथौड़ी से इसे दबा के प्लेन कर देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर लैमिनेट भी लगाएंगे ना, सनमाइका चिपकाएंगे, तो वो ऊपर नहीं उठेगा आपका, और आपको लैमिनेट चिपकाने के बाद इसकी मजबूती और भी ज़्यादा पक्की हो जाएगी। देखो, ये हाथ वाला स्टेपलर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें हथौड़ी से दबाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास गन वाला है ना, कंप्रेसर वाला, तो उसमें आपको पिन अंदर नहीं करनी पड़ेगी, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो अपने आप ही अंदर कर देगा। तो देखिए दोस्तों, कितना मजबूत जॉइंट लगा है, मैं हाथ से आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मैंने इससे 4-4 फीट तक के पल्लों का भी जॉइंट लगा के इस्तेमाल किया है, जैसे अलमारी के पल्ले वगैरह बनाते हैं, तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई। जब दोनों साइड से लैमिनेट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस स्टेपलर का मैंने एक नया यूज़ आपको दिखाया है, आप भी इस तरह एक बार लगा कर ट्राई ज़रूर करना और बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और आपका जल्दी भी काम हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और मेहनत भी आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, नए नए टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।